हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको प्री पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के कुछ अलग एक्सप्रेशन दिखाने वाली हूँ। इसका पार्ट फोर दिखाने वाली हूँ। लास्ट हम लोग ने एक ही ऑपरेटर अरिथमेटिक यूज करके एग्जांपल्स देखा। आज मैं टू अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखूँगी, आपको दिखाऊंगी। कुछ मेरे को मेल्स आए, उसमें कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए थे, तो मैंने वो अभी एक्सप्लेन किया हुआ है इस वीडियो में। तो फर्स्ट हम एग्जांपल देखेंगे, एक्सप्रेशन देखेंगे। अभी यहाँ पे एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की 15 है, और यहाँ पे दो अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज किए हुए हैं, वो है एडिशन के, और यहाँ पे टू पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया हुआ है और एक प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया हुआ है। तो फर्स्ट हम ये दो, एक जो अरिथमेटिक ऑपरेटर बीच में है, ये दो जो पार्ट है वो सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ पे हम ब्रैकेट करेंगे। अभी पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होता है वो मैंने बताया था कि फर्स्ट वैल्यू असाइन होती है फिर इंक्रीमेंट होती है। तो फर्स्ट वैल्यू असाइन होगी x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 15, दैट इज 5 प्लस 15 इज इक्वल टू 20, उनकी एडिशन होगी, फिर वो इंक्रीमेंट होगा असाइन होने के बाद। यानी x की वैल्यू 6 होगी, y की वैल्यू 16 होगी। तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट हम जाएंगे, यहाँ पे तो आंसर 20 आ गया। नेक्स्ट है प्लस प्लस x, दैट इज प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इसमें फर्स्ट इंक्रीमेंट होगा और फिर असाइन होगा। अभी x की वैल्यू क्या हो गई है 6, तो यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट में 7 होगी, दैट इज 20 प्लस 7, दैट इज आंसर इज 27। यहाँ पे पोस्ट में फर्स्ट असाइन होगी फिर इंक्रीमेंट होगी, 5 प्लस 15 दैट इज 20, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट होगी वो वैल्यू, दैट इज 6 एंड 16, और उसके बाद फिर नेक्स्ट हम जाएंगे थर्ड पार्ट पे। तो उसमें 6 का 7 होगा और 20 प्लस 7 दैट इज 27 आंसर आ गया। नेक्स्ट हम एग्जांपल देखेंगे, इसमें x की वैल्यू क्या हो गई 7 हो गई और y की वैल्यू 16 हो गई। अभी नेक्स्ट एक्सप्रेशन में हमने मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन यूज किया हुआ है। अभी हम यहाँ दो वेरिएबल्स हैं, वहाँ पे हम ब्रैकेट करेंगे, फर्स्ट ये पार्ट हम सॉल्व करेंगे। तो अभी यहाँ पे फर्स्ट प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर आ गया, ने 7 की वैल्यू 6 हो गई, और यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट है, तो यहाँ पे तो 6 और जो वैल्यू है वो असाइन होगी फिर डिक्रीमेंट होगी। तो 6 इंटू 16 दैट इज 96, जो पहले जो वैल्यू है वही आएगी, और उसके बाद डिक्रीमेंट होगी दैट इज 15, और यहाँ पे तो प्री डिक्रीमेंट है तो पहले ही वैल्यू डिक्रीमेंट हो गई, तो यहाँ पे 96 आंसर आ गया। फिर हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट को जाएंगे, तो इसमें पोस्ट डिक्रीमेंट है, तब ये जो 6 है वही असाइन होगी, अभी वैल्यू 6 हो गई, तो 6 असाइन होगी, दैट इज 96 माइनस 6, दैट इज आंसर इज 90 आंसर आएगा, और फिर सब डिक्रीमेंट होगा। यहाँ पे तो 7 का 6 हो गया क्योंकि प्री डिक्रीमेंट है, यहाँ पे 16 का 15 हो गया पोस्ट डिक्रीमेंट है, और उसके बाद यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट में 6 का 5 हो गया, दैट इज आंसर इज 90। अभी हम x और y की वैल्यू क्या लेंगे, x की वैल्यू तो 5 हो गई लास्ट में और y की वैल्यू 15, लिव 5 y की वैल्यू 15। अभी हम डिवीजन और एडिशन यूज करेंगे। अभी इसमें प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, y यूज किया हुआ है, तो 15 का 14 होगा, डिवाइडेड बाय पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर दैट इज x प्लस प्लस, दैट इज फर्स्ट तो असाइन होगा फिर इंक्रीमेंट होगा, दैट इज 14 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज आंसर इज 2.8, लेकिन यहाँ पे हमने फ्लोट नहीं यूज किया हुआ है इसलिए आंसर 2 आएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस 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 वाई, यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट है, अभी वाई की वैल्यू 4 हो, यहाँ पे 14 हो गई है और यहाँ पे फिर से इंक्रीमेंट होगी दैट इज 15, तो यहाँ पे आंसर 2 आया था, 2 प्लस 15 दैट इज आंसर इज 17, और उसके बाद वो क्या होगा सब असाइन होगा। यहाँ पे
15 का 14 हो गया, और पोस्ट इंक्रीमेंट है तो पहले तो 5 असाइन होगा, फिर 6 हो गया, और फिर यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट से इंक्रीमेंट होगा। अभी नेक्स्ट एक्सप्रेशन में एक ही हम वैल्यू असाइन करेंगे, दैट इज x इज इक्वल टू 6। अभी यहाँ पे हम सॉल्व करते समय राइट टू लेफ्ट जाएंगे और डिस्प्ले करते समय लेफ्ट टू राइट डिस्प्ले करेंगे। फर्स्ट तो x की वैल्यू 6 है, वो 6 असाइन होगी, तो यहाँ पे तो x की वैल्यू 6 आ गई। फिर हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे, उसके बाद यहाँ पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इसमें असाइन करना है फिर इंक्रीमेंट करना है। तो फिर फर्स्ट तो असाइन करेंगे 6, x इज इक्वल टू 6, उसके बाद वो इंक्रीमेंट करेगा दैट इज 7, यानी यहाँ पे 6 होगी, उसके ऊपर x की वैल्यू 7 होगी। फिर वो नेक्स्ट जाएगा, तो यहाँ पे तो प्री इंक्रीमेंट है, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू 8 होगी, तो वो डायरेक्टली असाइन होगी 8। तो यहाँ पे आंसर आएगा 8 6 6, यानी लेफ्ट टू राइट हम लोगों ने डिस्प्ले किया। फर्स्ट हमने क्या कहा था कि हमको राइट टू लेफ्ट जाना है, उसमें एक्स की वैल्यू फर्स्ट 6 है तो वो असाइन होगी। फिर वो नेक्स्ट एक्सप्रेशन में जाएगा जिसमें पोस्ट इंक्रीमेंट है, फर्स्ट असाइन होगा फिर इंक्रीमेंट होगा। फर्स्ट असाइन करने एक्स की वैल्यू 6 है, फिर इंक्रीमेंट होगी 7, और प्री इंक्रीमेंट में फर्स्ट इंक्रीमेंट होगी और फिर असाइन होगी, दैट इज 8। मीन्स यहाँ पे आंसर 8 6 6 आएगा। अभी हम एक्चुअल प्रोग्राम देखेंगे। अभी हम लोग ने जो जो एग्जांपल्स देखे वहाँ पे, तो मैंने ये यहाँ पे पहले से ही लिखे हुए हैं एक्सप्रेशन, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, उसके बाद टू अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है, और ये लास्ट वन। तो हम यहाँ पे मैंने डायरेक्टली स्कैनएफ किया हुआ है, इनिशियलाइज नहीं किया हुआ है। हम अलग अलग नंबर्स देख के फिर देखेंगे कि क्या आंसर आता है। तो मैंने तो आपको फर्स्ट एक्सप्लेन किया है 5 और 15 से, तो फर्स्ट वो आंसर टैली करेंगे कि वो राइट है कि नहीं। एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, इट इज 5 and 15। तो इसमें हमारा आंसर क्या आया था, फर्स्ट 27 आया था, उसके बाद 90, उसके बाद 17 और 6, 8 6 6। तो ये आंसर आप टैली कीजिए। हमको अगर नेक्स्ट और प्रोग्राम्स देखना है, अभी यहाँ पे मैंने सपोज वैल्यू लिया 6 and 20, तो यहाँ पे कैसे आएगा 6 और 20। तो फर्स्ट तो क्या है, पोस्ट डिक्रीमेंट है, तो 6 और 20 वैसे ही रहेंगे, 26 दैट इज एडिशन, प्लस 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 6 दैट इज प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो यहाँ पे तो 7 और 8 होगा, दैट इज 26 प्लस 8, दैट इज आंसर इज 34, और उसके बाद वो इंक्रीमेंट होगा, फर्स्ट 6 है, फिर 7 होगा और फिर 8, एन एक्स की वैल्यू 2 बार इंक्रीमेंट हुई है इसलिए आंसर 8 आएगा, और y की वैल्यू 1 ही बार इंक्रीमेंट हुई है तो आंसर 21 आएगा। तो यहाँ पे पोस्ट है और यहाँ पे प्री है। उसके बाद नेक्स्ट हमने मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन किया हुआ है, वहाँ पे माइनस माइनस एक्स और वाई माइनस वाई। अभी यहाँ पे 8 है तो प्री डिक्रीमेंट है, यानी आंसर क्या आएगा 7 7 इंटू, पोस्ट डिक्रीमेंट है 7 इंटू 21, यानी आंसर 147, और उसके बाद यहाँ पे माइनस होगा, माइनस के बाद पोस्ट डिक्रीमेंट है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू अभी 7 हुई है तो वही असाइन होगी 7। तो हमारा आंसर आ गया था 147 माइनस 7 दैट इज 140 आंसर है। उसके बाद यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 बार डिक्रीमेंट हुई है, दैट इज फर्स्ट 8 है तो वो 6 होगी, और वाई की वैल्यू 1 ही बार डिक्रीमेंट हुई है, दैट इज 20।
उसके बाद नेक्स्ट आएगा डिवीजन, जिसमें कि प्री डिक्रीमेंट हम लोग ने किया हुआ है, और यहाँ पे डिवीजन लिया हुआ है, और यहाँ पे पोस्ट डिक्रीमेंट है, पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो अभी यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो गई है 20, तो यहाँ पे क्या आएगा 19, और डिवाइडेड बाय x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 6 है, 19 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज, यहाँ पे तो फ्लोट में आंसर नहीं आएगा, दैट इज 3। 3 के बाद प्लस होगा, प्लस क्या आएगा प्लस वाई वाई मीन्स यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट है, तो अभी यहाँ पे वैल्यू उसकी क्या हो गई है, वैल्यू 6 था, दैट इज यहाँ पे क्या हो गया 7, और फिर यहाँ पे आंसर 3 आ गया था, तो 3 प्लस यहाँ पे जो y की वैल्यू है, फर्स्ट डिक्रीमेंट हुई थी 1 से, 19 हुआ था प्री डिक्रीमेंट से, फिर से इंक्रीमेंट होगी दैट इज 20, दैट इज 3 प्लस 20 दैट इज 23। नेक्स्ट एक्सप्रेशन ये है, तो उसमें x की वैल्यू फर्स्ट 7 है, हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे, x की वैल्यू फर्स्ट 7 है वो असाइन होगी, तो पोस्ट डिक्रीमेंट में वो असाइन होगी 7, फिर इंक्रीमेंट होगी 8 एंड देन 9, दैट इज 9 7 7। तो आप भी अलग अलग एग्जाम्पल लेके इसको एग्जीक्यूट कीजिए। तो मेरा यह वीडियो आपका अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कुछ कमेंट कीजिए, और यहाँ पे जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक कीजिए, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। देन गुड बाय।